दिनों नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल लोकसभा में जनता के मुद्दे बाखूबी उठा रहे हैं। ऐसे में गुरुवार को केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया। सरकार को इस विधेयक के खिलाफ विपक्ष के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया। इस बिल को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। इस बिल के बारे में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने विस्तार से बताया और उन्होंने केस का उदाहरण भी दिया। इस बिल पर इंडिया एयरलाइंस समेत सभी विपक्षी दलों से रिजिजू ने समर्थन देने की अपील की। वो बोले, आपको इस बिल का समर्थन करने पर करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेगी। तो वहीं संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए बेनीवाल बोले, सरकार इसे संसद में पेश कर पारित करना चाहती थी। विपक्ष ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। हमने कहा कि इससे जनभावनाएं आहत होंगी। वक्फ का गठन संवैधानिक अधिकारों के तहत किया गया, आप इसे खारिज नहीं कर सकते। हमने एक स्थायी समिति या जेपीसी की मांग की। विपक्ष की आपत्ति के कारण एनडीए ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया। यह हमारी आपत्ति के कारण हुआ है, अन्यथा वे इसे आज ही पारित कर देते। बताते चले, विपक्षी सदस्यों के भारी विरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेज दिया गया। वक्फ एक्ट 1954 में सुधार के दावे के साथ पेश किया गया ये विधेयक कई दिनों से विवादों के साए में है। जल्दी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जेपीसी का गठन करेंगे, जिसमें सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद सदस्य होंगे। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।